हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिंह ब्लॉग आज के इस वीडियो में आपको एक थ्री व्यू है तो वो मैं दिखाता हूँ जो कि चंदवे का है ठीक है तो नाइट सीन में मैंने बनाया है उसको तो उसके बारे में आपको पूरा क्या क्या उसमें यूज़ किया हूँ किस तरह का मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं घर डिज़ाइन करने के लिए तो वो मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ बताता हूँ पिक्चर के थ्रू ठीक है तो एक बात और बता दूँ कि अगर आप रांची से या फिर आसपास के क्षेत्र से चाहते हैं अपने घर का डिज़ाइन बनवाना नक्शा बनाना नक्शा पास करवाना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है तो आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन है जो हमने डिजाइन किया है जी प्लस टू स्टोरी का ये आपका बिल्डिंग है तो ये जो है आपका एक नाइट व्यू में हमने बनाया है अगर इसका लाइटिंग वगैरह देखेंगे तो काफ़ी शानदार डिज़ाइन किया गया है लाइट वग़ैरह अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपका लाइट का यूज़ किया गया है हर एक, एक पार्ट में हमने लाइट को यहाँ पे डालने का कोशिश किया है कि रात में और रात का सीन इसलिए मैं दिखाया है क्योंकि लाइट हमको इसमें क्लाइंट का था कि रात का एक सीन चाहिए मुझे कि किस तरीके से लाइट हम उसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगे घर तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ आपको कि किस प्रकार से मैंने क्या क्या दिया है तो ये अगर आपको मैं बता दूँ तो ये एक तरह से मॉडिफाई किया गया है एक अभी ग्राउंड में बना हुआ था उसको हमने मॉडिफाई करके फिर उसको जी प्लस टू करना है तो सबसे पहले नीचे आते हैं तो नीचे में अगर देखेंगे राइट साइड में तो राइट साइड में कार पार्किंग के लिए हमने यहाँ पे जगह बनाया स्पेस बनाया है जहाँ पे हमारी एक फोर व्हीलर जो है वो कार पार्क है ठीक है उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे जस्ट जस्ट लेफ्ट में यानी कि सेंटर में तो वहाँ पे एंट्री दिया है वही स्टेयर पार्ट है जो आपका ऊपर तक जाएगा और जस्ट उसके राइट साइड लेफ्ट साइड में मैंने दिया है सबसे अगर लेफ्ट में जाइएगा तो वो एक तरह से सीटिंग एरिया है बोल सकते हैं गेस्ट वगैरह के लिए जो कि अंदर से है और बाहर से हमने ग्लास लगा करके उसको सील किया है तो अब हम चलते हैं ऊपर वाले पार्ट में जो कि फर्स्ट फ्लोर हम जिसे बोलते हैं तो अगर इसके लेफ्ट में देखिएगा स्टेयर के लेफ्ट में इधर एक लड़का खड़ा है वाइट रंग का शर्ट पहने हुए तो उस साइड में हमने कॉलम को एक्सटेंड किया है तीन वर्टिकल कॉलम दिख रहा हुआ आपको ब्राउन रंग में तो वो एक फिंस बोलते हैं जिसे तो उस कॉलम को हमने एक्सटेंड करके ग्राउंड फ्लोर के पारापिट तक ले गया है ले जाया गया है ठीक है अगर आप देखिएगा बालकोनी में तो सेकेंड फ्लोर में भी वो कॉलम दिखेगा तो एक डिज़ाइन पर्पज से हमने बनाया है वो अगर उसके बालकोनी को देखिएगा तो सी टाइप का बालकोनी है अगर उसके जो बाहर निकला हुआ प्रोजेक्शन वो हमारा सी टाइप का है और उसके ऊपर में जस्ट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में रूप में हमने बीम दिया है आपका अगर देखिएगा तो उस बीम के कारण से एक लग रहा है कि उडेन टाइप का बीम बाहर हमने निकाला है तो वो एक डिज़ाइन दिया गया है तो उस डिज़ाइन से एक होता है खूबसूरत हो जाता है घर हमारा अब चलते हैं राइट साइड में तो राइट साइड वाले पार्ट में देखेंगे तो जिगजेक टाइप पैटर्न का आपको स्टेनलेस स्टील या फिर मेटल के पाइप का मतलब कि आयरन पाइप का हमने यूज करके उसको जैग पैटर्न में आगे बालकोनी में सजाया है तो ये आप उड़ियन से भी दे सकते हैं जिक पैटर्न है तो ये एक अलग लुक दे रहा है घर को और ग्लास बालकोनी जो है बालकोनी का जो रेलिंग रहेगा वो हमेशा ग्लास यूज करे अगर आपके अगर बजट में है तो या फिर स्टील रेलिंग रेलिंग स्क्वायर पाइप वाला ग्राउंड नहीं स्क्वायर पाइप तो वो और अच्छा खिलता है अब हम आते हैं ऊपर वाले पार्ट में तो सॉरी इससे पहले हम देखते हैं राइट साइड का पूरा साइड व्यू तो इसमें हमने ग्रे कलर का पेंट करके पूरा डेकोरेशन करने की कोशिश किया और साइड में भी आप बालकनी देखेंगे तो एक मॉडर्न लग्जरी टाइप का बालकनी हमने यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश किया है अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर में ठीक है तो सेकेंड फ्लोर में आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा तो सेकेंड फ्लोर के राइट साइड में आ, वर्टिकल कॉलम टाइप का है दस द, दस बाई दस इंच का कॉलम हमने दिया है उस चीज़ को हमने वहाँ पे एक अलग लुक देने की कोशिश किया है अच्छा और एक चीज़ देखेंगे कि जो नीचे से आपका जहाँ पे रेड रंग का एक लड़की खड़ी है तो उसके पास से हमने तीन राइट साइड में अगर उसके देखेंगे तो एक स्लैब टाइप का कॉलम टाइप का पतला सा पाँच इंची में तीन कॉलम निकाला जिसमें हम लाइट ऊपर तक जा रहा है सेकेंड फ्लोर के छत तक लाइट जा रहा है एल टाइप का तो वो एक अलग लुक दे रहा है ग्रे रंग का अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में लाइट है येलो रंग का तो उससे अट्रैक्शन थोड़ा सा जो घर का है वो और भी अच्छा हो जाता है अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर में ही लेफ्ट साइड में तो वहाँ पे नॉर्मल आपका पूरा आपका खुला रहेगा ग्लास स्लाइडिंग डोर है वहाँ पे बालकनी में आने के लिए तो कुछ इस प्रकार का है और सबसे ऊपर वाले पार्ट में हम जाएँ तो देखें तो वहाँ पर परगोला है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में अगर देखिएगा तो उडेन परगोला हमने दिया है वर्ड क्रॉस में एंड लेफ्ट में हमने सर्कुलर दिया है और उस परगोला के नीचे जो है वो सिटिंग एरिया बनाया गया जैसे है जैसे पार्टी वगैरह या फिर नाइट में अगर सिटिंग एरिया है एक तरह से या दिन में अगर बैठना चाहते हैं तो एक तरह से काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप का लग रहा है वो देखने में तो कुछ इस प्रकार का टोटल व्यू था और इस रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी वीडियो हमारा देखना चाहते तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो डाला है रांची के जो भी डिज़ाइन मैंने किया है उसका मैंने वीडियो आपको डाला है तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू हैवे ए नेक्स्ट डे